अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहली एप्लीकेशन जो है वो है मिरेज। इनके बारे में मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको बुक में बता दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना, ठीक। समझा देता हूँ, मतलब समझाऊंगा तो है। मिरेज का क्या मतलब है ये समझ लो। आपने शायद कभी कभी फील किया हो, ये जो हमारे हाईवेज होते हैं, रोड होते हैं, गर्मियों में या जब टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, खासकर गर्मियों की बात चल रही है, गर्मियों में रोड पर ऐसा फील होता है कभी कभी जब हम बाइक चला रहे होते हैं कि जैसे आगे पानी गिरा हुआ है कहीं पर, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ दूर से अपीयरेंस होती है। या फिर आपने शायद किसी फिल्म में देखा हो या सुना हो किसी से, डेजर्ट रीजन में, डेजर्ट एरियाज में कई बार ये धोखा लगता है वहाँ पर लोगों को कि दूर से देखने पर पानी नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर आगे कोई तालाब है, पानी की कोई सोर्स है, तो वो वहाँ पर भागते हुए जाते हैं कि पानी मिल जाएगा, और भागते हुए जाएंगे वहाँ जाकर देखेंगे वहाँ कुछ भी नहीं है, और उल्टा प्यास लगने लगती है भागने की वजह से, ठीक। ये मिरेज कहलाता है। होता किस वजह से, ध्यान से समझिए। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका एक मेन कॉज है, जहाँ कहीं भी मिरेज होगा। मिरेज में होता ये है कि आपको ज़मीन में ऊपर की चीज़ों की रिफ्लेक्शन नज़र आने लगती है, जैसे पानी में नज़र आती है। कोई पेड़ खड़ा है तो उस पेड़ की रिफ्लेक्शन ज़मीन में नज़र आएगी, या फिर कोई और चीज़ है, कोई बाइक आ रही है सामने से और गर्मियों का टाइम है तो उस बाइक की हेडलाइट अगर जल रही है तो हेडलाइट की रोशनी आपको एक सड़क पर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आएगी, और एक एक्चुअल में जो हेडलाइट से निकल कर आ रही है वो नज़र आएगी, ठीक। किस वजह से होता है, इसका मेन रीज़न है टेम्परेचर। गर्मियों में ज़मीन पर जब धूप पड़ती है, फाइनली जितनी भी हीट वेव्स हैं जो सन से आ रही हैं वो सब लैंड सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है ज़मीन, ठीक। और वो ज़मीन एब्जॉर्ब कर लेती है तो ज़मीन बहुत गर्म हो जाती है, और आप ये चीज़ फील भी करते हैं, नंगे पैर गर्मियों में चलना मुश्किल होता है, रोड पर, फर्श पर, जो खुले फर्श होते हैं है ना, मार्बल पर, उन पर चलना मुश्किल होता है, उनका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, पैर नहीं रखा जाता, ठीक। पत्थर पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से जब आप ये पूरी एयर को ऑब्जर्व करोगे ये फ्यू मीटर्स की हाइट तक, तो आप देखेंगे वो एयर जो बिल्कुल ज़मीन के कॉन्टैक्ट में है सबसे नीचे वाली है, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बहुत हाई है तो यहाँ का टेम्परेचर भी हाई रहेगा, और इसके कंपैरिजन में अगर आप थोड़ी हाइट ऊपर आकर एयर को कंपेयर करें तो इससे थोड़ी ऊपर की जो एयर है वो थोड़ी लाइटर रहेगी, मतलब थोड़ी ये कह लीजिए कूल रहेगी, लो टेम्परेचर रहेगी, ठीक। टेम्परेचर के हिसाब से ऑप्टिकल डेंसिटी भी वेरी करती है, ध्यान से समझते रहना बात को। जो एयर हॉट है, गर्म है, जो हॉट एयर होती है उसके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, उसकी डेंसिटी वैसे भी कम हो जाती है और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक। और जो एयर कूल होती है, थोड़ी ठंडी होती है, कोल्डर एयर, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी हाई होती है। मिसाल के तौर पर कोई लाइट रे अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो उसको डिक्रीजिंग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फील होगा, मतलब ऐसा फील होगा जैसे वो किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसमिशन है वो कंटिन्यूस ट्रांसमिशन है। कंटिन्यूस का मतलब है एकदम से मीडियम चेंज नहीं हो रहा, धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है, ठीक। नीचे जाएगा तो रेयरर आ रही है एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिड्यूस हो रहा, लेकिन कोई बाउंड्री नहीं बना सकते आपके लाइन खींच कर कह दें, जैसे बाउंड्री होती पानी के सरफेस पर खींच देते हैं कि इससे नीचे नीचे पानी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा या 1.3 होगा, और इससे ऊपर ऊपर अगर एयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, ऐसी कोई बाउंड्री लाइन नहीं बना सकते। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे चेंज होगा कि पॉइंट्स में वैल्यूज चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आप नीचे आते रहेंगे स्मूथली, जैसे रीडिंग बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, ठीक। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई ट्री खड़ा हुआ है, एक पेड़ पाम ट्री मान लो, और आप यहाँ थोड़े दूर पर यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है, ये रवान है, इतना पतला नहीं हो सकता, चलो कोई नहीं,
आप यहाँ पर थोड़ी दूरी पर खड़े हो, ठीक। हमें कोई भी चीज़ जो अपीयर होती है, कोई भी चीज़ जब हमें अपीयर होती है तो वो इसलिए अपीयर होती है कि उससे लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर करती है। इसके ऊपर भी धूप पड़ रही होगी तो ये भी लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। कुछ लाइट रेज तो ऐसी हैं जो सीधी सीधी हमारी आइज़ में एंटर कर रही है और सामने हमें पेड़ नज़र आ रहा है। ग्रीन कलर की लाइट उसके पत्तों से आ रही है, उसके स्टेम से ब्राउन कलर की लाइट आ रही है, अलग अलग कलर्स की, इसलिए हमें उसको कलरफुल वो पेड़ नज़र आ रहा है। कुछ लाइट रेज लेकिन इधर भी जा रही होंगी, क्योंकि अगर कोई ज़मीन पे यहाँ पड़ा है तो उसे भी दिखेगा ये पेड़, तो नीचे को भी जा रही है लाइट रेज। ये लाइट रेज जो नीचे की तरफ जा रही हैं, ये एक्चुअल में एक डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रही हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। गर्म ठंडी हवा वाले रीजन से गर्म हवा, ऐसा नहीं कि ऊपर बहुत सर्दी है, मैं कह रहा हूँ कि कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो ऊपर की हवा उसके कंपेयर में ठंडी है। वैसे गर्मियों में तो सारी हवा गर्म होती, लेकिन जो ज़मीन के कांटेक्ट में वो कुछ ज़्यादा ही गर्म है, ठीक है। जैसे गर्मियों में आप कहें गर्मी, लेकिन उबलता हुआ पानी वो भी गर्म है, वो तो उससे भी ज़्यादा गर्म कहलाएगा ना। कंपेरेटिव अगर बात करें, उसके कंपेरिजन में आपको जो नॉर्मल टंकी का पानी है वो ठंडा फील होगा उबलते हुए बॉइलिंग वाटर के कंपेरिजन में, लेकिन गर्मियों में वो भी गर्म आता, ठीक। बात समझ में आई? वही चीज़ यहाँ पर है, ऊपर की एयर कूलर है, डेंसिटी हाई है, और वो रेयर मीडियम में नीचे बैंड हो रही है। आते आते उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फील होगा और वो बैंड होनी वापस लौटनी ऊपर की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये बैंडिंग इतनी जैसे उसमें एक एज बन जाता है ना, टकराकर वापस आ जाती है, बिल्कुल ऐसे नहीं, बल्कि धीरे धीरे बैंड होगी, ऐसे स्मूथ बैंडिंग, ऐसे, ठीक। और ये बैंड होते होते ऐसे आइज में एंटर कर जाएगी, और ये यहाँ से देखेगा क्योंकि हमारा विज़न हमेशा स्ट्रेट लाइन में काम करता, तो इसके विज़न के अकॉर्डिंग इसको इस पेड़ की परछाई, इस पेड़ की एक परछाई नज़र आ जाएगी, एक इमेज नज़र आ जाएगी इस ज़मीन की तरफ देखने पर, और इसे ऐसा लगेगा कि यहाँ पानी गिरा हुआ है क्योंकि ये पानी में दिखाई देती है इस टाइप की रिफ्लेक्शन, और उसे धोखा लग जाएगा। बात समझ में आई? इस इफेक्ट को कहते हैं मिरेज, मिरेज। ये पहली एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। अब एप्लीकेशन नंबर टू, ये भी समझ लो ध्यान से। नंबर टू है डायमंड, डायमंड की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो महंगा होता, बस अरसलान के पास हो सकता है या जैद के, और किसी के पास तो मुश्किल है। खैर है, खैर मैं ये कह रहा था, डायमंड की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं उसकी ब्रिलियंसी। डायमंड बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, डायमंड बहुत ब्रिलियंट होता है, चमकता है। अगर आप डायमंड को लाइट की प्रेजेंस में देखें तो कभी वो इधर से चमकता है, कभी इधर से, उसके अलग अलग एजेस से रोशनी चमक उठ निकलती है, ठीक। डायमंड एक्सपेरिमेंट के लिए मंगा लो एक डायमंड, यहाँ पे है तो दुकान, बहुत पुरानी मशहूर किरतपुर के नाज़िम एंड हाशिम ज्वेलर्स। कट करना पड़ेगा जो है पापा सुन ले कहेंगे दो ताले ताले, अच्छा वो होगी एक तो इसके पास है, हाँ भाई एक तो तुम ले गए थे भूल जाओ चलो खैर मैं कह रहा था डायमंड की जो ब्रिलियंसी होती है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। डायमंड बहुत हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल का बना हुआ होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 के आसपास, बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज़्यादा हाई होता, 2.42 के आसपास, सबसे ज़्यादा डेंसर यही है डायमंड, ठीक। और अभी हमने जो रिलेशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, क्यों भाई अमान, जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही, जितनी ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल उतना ही कम होगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में चलते हैं। इसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है डायमंड के लिए। अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बहुत कम है तो अगर आपके पास कोई डायमंड है, उस डायमंड के अंदर एक बार लाइट रे अंदर एंटर कर जाए तो उस लाइट रे के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जहाँ भी जाकर टकराएगी, टकराने के बाद अगर यहाँ पर नॉर्मल बनाए, ये एंगल भले ही कितना भी छोटा बने, ज़्यादा चांस इस बात के हैं कि ये टोटली रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आ जाएगी इसका। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लो एंगल, ज़्यादा छोटा हो गया। हाँ, ये लाइट रे टकराकर अंदर ही अंदर वापस लौट कर आ जाती है और बहुत देर तक अंदर अंदर घूमती है, और टकराने के बाद मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद बहुत बार टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, उसके बाद कभी इस कोने से निकल गई, कभी उस कोने से, अंदर इकट्ठा होकर लाइट्स निकलती रहती हैं इधर उधर। ठीक, जिसकी वजह से डायमंड चमकदार या ब्रिलियंट नज़र आता है। ठीक, याद रहेगी बात सबके। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड इज़ ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल छोटा होने से ये फ़ायदा हुआ। मैं कह रहा हूँ कि किसी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल बस इतना सा है, ए इतना सा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रीजन ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो इसके रिफ्लेक्ट होने के चांस ज़्यादा है या रिफ्रैक्ट होने के? इसके रिफ्लेक्ट, वापस टोटली रिफ्लेक्ट होने के चांस ज़्यादा होंगे, ये लाइट रे टकरा कर वापस लौट कर आ जाएगी, क्योंकि ये रीजन बहुत नैरो हो चुका है अब। जैसे मैं ये कहूँ कि ये मान लीजिए 20 डिग्रीज के बराबर है, बचा हुआ 70 डिग्री इधर है, इससे ज़्यादा ही हो गया, 20 के बाद 70 और बच जाएगा, तो 70 वाला रीजन ज़्यादा हो गया ना, 90-100 के आसपास, ये लगभग 70% चांस, 70 से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, 70% चांस इस बात के हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और 20-30% चांस इस बात के हैं कि वो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आई? क्यों भाई, समझ में आ गई बात? तो ये जो ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थर्ड है प्रिज्म। प्रिज्म तो आपने देखा ही है, बचपन में हमने एक बात सुनी थी, बात ये सुनी थी कि पागलपन के कई किस्म होते हैं, और पागलपन के बहुत सारी किस्में होती हैं और परसेंटेज भी सब में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई पूरी तरह पागल है तभी उसको पागल कहेंगे कि वो सामान फेंकता फिर रहा है या कुछ करता फिर रहा है। बार बार अभी का नाम क्यों ले रही हो तुम? मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ। एक बात बता, सुनिए ध्यान से, एक दो बात बता रहा हूँ। प्रिज्म की हेल्प से आप दो तीन काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला काम ये है कि कोई लाइट रेज आ रही है उसको आप 90 डिग्री से बेंड कर सकते हैं। ठीक, कोई इन्वर्टेड इमेज है उसको सीधा कर सकते हैं, और कोई लाइट रेज ऐसे आई तो उनको वापस लौटाना हो उसी डायरेक्शन में जहाँ से वो आ रही है, तो वो भी आप काम इस प्रिज्म की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास एक इस टाइप का प्रिज्म है, जैसा ये नज़र आ रहा है आपको सामने, ये प्रिज्म जो है, इस प्रिज्म में एक एंगल तो 90 डिग्री का है ये वाला, एंड अदर टू आर 45। ठीक है, सामने से कुछ लाइट रेज आ रही और वो आकर इसके इस वाले फेस से टकराती है। प्रिज्म ग्लास का बना हुआ होता है,
प्रिज्म ग्लास का बना हुआ होता है, ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है लगभग 42 डिग्रीज के ऊपर, ठीक। मतलब 42 डिग्रीज से ज़्यादा ग्रेटर एंगल पर अगर कोई लाइट रे आकर इंसिडेंट होगी, अर्चित बात सुनो, अगर 42 डिग्री से ज़्यादा पर कोई लाइट आकर इंसिडेंट होती है और वो इस ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रिज्म से देखते हैं कैसे आप लाइट को 90 डिग्री से बेंड कर सकते हैं। आप प्रिज्म को ऐसे रख दीजिए कि आने वाली लाइट रेज इसके ऊपर नॉर्मली इंसिडेंट हो। नॉर्मल इंसिडेंस के लिए लाइट रे बिना बेंड हुए एज इट इज़ दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है, तो ये दोनों लाइट रेज सीधी सीधी निकल जाएंगी, दोनों के लिए कोई बेंडिंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये सामने जाकर इस सरफेस पर इंसिडेंट होंगी, आप देख रहे हैं इस सरफेस के इधर जहाँ पर लाइट रेज ये इस वक्त चल रही है, ये ग्लास है मतलब डेंसर मीडियम और बाहर पूरे में एयर है एंड एयर इज़ ए रेयरर मीडियम, मतलब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है और लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। एक कंडीशन और चेक कर लीजिए कि एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है या ज़्यादा। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस देखने के लिए आपको यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल यहाँ पर कर लो, एक यहाँ पर। अगर ये वाला एंगल 45 है, आप इसमें ज्योमेट्री लगाएंगे थोड़ी सी तो आपको पता चल जाएगा, ये 45 तो ये भी 45 क्योंकि ये वाला भी 45 था ना, तो ये तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। और 45 पूरा 90 है तो 45 के दो बनेंगे, तो ये भी 45 एंड 45 इज़ ग्रेटर देन 42 जो कि इसका क्रिटिकल एंगल है। तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, लाइट रे इज़ गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम एंड इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका कोई पार्ट भी इस मीडियम से बाहर ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इतनी डिग्री पर वापस आ जाएगी और ये वाली लाइट रेज के साथ भी सेम होगा, ये भी टकरा कर नीचे आ जाएगी और इस तरीके से ये लाइट रेज 90 डिग्री से बेंड हो जाएगी, ठीक। बात समझ में आई? अर्चित के दिमाग में एक बात आ रही कि सर ये प्रिज्म लगाने की बजाय ये काम तो बहुत आसानी से मैं कर देता अगर आप इसकी जगह पे एक मिरर लगा देते ऐसे टेढ़ा करके, तो बात वही की वही थी। क्या ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप मिरर लगा देंगे 45 डिग्री पर तो वो भी यही सेम काम करेगा, वो भी लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ बेंड कर देगा। बात तो वही की वही है या कुछ डिफरेंस है? ये तो और सस्ता है, प्रिज्म तो महंगा, उसके कोने भी टूटे हुए हिसाब होते हैं। हाँ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हम, या मर्जी है, कुछ कमी है इसके अंदर क्या? मैं बताता हूँ इसका आंसर। ये जो प्रिज्म है ये प्रिज्म लाइट को टोटली रिफ्लेक्ट कर रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ही ये होता है कि लाइट पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका कोई पार्ट भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्लेन मिरर की बात करें तो जो सादा प्लेन मिरर आप यूज़ करते हैं वो प्लेन मिरर कम्प्लीटली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसका कुछ ना कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। एक सिंगल रिफ्लेक्शन में आपको वो बात भले ही फील ना हो, लेकिन अगर आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगे, एक मिरर के सामने दूसरा मिरर, फिर उसके सामने तीसरा, फिर चौथा, अगर आप 3-4 मिरर लगा दें तो आप देखेंगे तीसरे चौथे बार में जो रिफ्लेक्शन है वो इमेज बहुत ब्लर नज़र आएगी आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक। अगर आप एक लाइट एक शीशे से रिफ्लेक्ट कराकर इस सामने वाली दीवार पर डाल रहे हैं और एक लाइट जो 2-3 शीशों से रिफ्लेक्ट कराने के बाद इस दीवार पर डाल रहे हैं, दोनों की इंटेंसिटी कंपेयर कर लेना आप, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन से आएगी उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी होगी क्योंकि प्लेन मिरर लाइट को एब्जॉर्ब भी करता है, बहुत सारा पार्ट रिफ्लेक्ट कर देगा बट कुछ पार्ट 10-15% एब्जॉर्प्शन इसके अंदर हो जाता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई पार्ट भी एब्जॉर्ब नहीं होता, लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट होती है। इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं ओवर दिस, जहाँ आपको कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करानी है लाइट रे वहाँ। दूसरा, हम सुनिए इधर, अगर किसी प्रिज्म को
इस मैनर में प्लेस करें, उल्टा बना दिया जी, किसी भी प्रिज्म को आप इस मैनर में प्लेस करें। सबसे पहले तो इस प्रिज्म के बारे में बता देता हूँ आपको, ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म है जिसके अंदर एक एंगल ये वाला होता है 90 डिग्री का, एंड अदर टू ये दोनों होते हैं 45-45। ठीक, इसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया, यहाँ पर इससे आएंगी कुछ पैरेलल रेस, वो आकर सबसे पहले इस सामने वाले फेस से टकराएंगे। लिसन हेयर केयरफुली, ये लाइट रेज जब इस प्रिज्म के अंदर एंटर करेंगी, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस में कोई रिफ्रैक्शन ये के लिए बेंडिंग नहीं होती। लाइट रे जब इधर से उधर एंटर करेगी एज इट इज़ स्ट्रेट, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी ज़ीरो है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज़ीरो हो जाएगा। जब लाइट अंदर एंटर कर जाएगी तो सामने वाले फेस पर टकराएगी, सामने वाले फेस पर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये होगा 45 डिग्री का। ठीक, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं ज्योमेट्री लगाकर, जब ऊपर वाला 45 है तो ये भी 45 और ये 45, तो बचा हुआ भी 45। और आप जानते हैं कि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्रीज के अराउंड होती है, एंड 45 इज़ ग्रेटर देन 42, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है वैल्यू, तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये लाइट रे टकराकर बैंड हो जाएंगी, टकराकर इतने ही 45 डिग्री पर ही नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, और जब ये रिफ्लेक्ट होंगी तो सामने जाकर इन्हें मिलेगा दूसरा सरफेस, अगेन वही सेम केस, यहाँ पर आकर फिर दोबारा 45 डिग्री पर ये इंसिडेंट होंगी, एंड 45 क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो दोबारा यहाँ पर एक बार और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसके बाद अगेन ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर 90 डिग्री पर आ रही है नॉर्मल इंसिडेंस, तो एज इट इज़ लाइट रेज बाहर निकल जाएंगी। मतलब ये हुआ कि ये जो देखिए ऊपर वाली जो लाइट रे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो ऊपर वाली लाइट रे यहाँ पर आकर नीचे होगी, ठीक, एरो से जो निकल कर आई थी, और जो नीचे बेस से आ रही है ये वाली इधर आ गई है, मतलब इसकी इमेज जो है ऐसे उल्टी बन जाएगी, इन्वर्टेड इमेज। बात समझ में आई? ये सिर्फ 180 डिग्री से बैंड ही नहीं करेगा लाइट को, आपके इमेज को भी उल्टा कर देगा, या उल्टी इमेज रखी हुई है आपने पहले उसको सीधा कर देगा। याद रहेगी बात? ये दूसरा ओरिएंटेशन था। एक थर्ड और है केस, उसको भी समझ लीजिए आप। अगर आप 180 डिग्री से बैंड नहीं करना चाहते, आप सिर्फ जो लाइट रे जो आपकी इमेज है उसको सीधा करना चाहते हैं, इंसिडेंट लाइट रे को, ऑब्जेक्ट आपने इसके सामने रखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, इससे निकलने वाली लाइट रेज सामने जाकर प्रिज्म से टकराएंगी, टकराने के बाद वही रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, रिफ्रैक्ट होने के बाद ये वाली लाइट रेज सब नीचे जाएंगी, ऐसे नीचे। यहाँ पर जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये हम प्रिज्म जो है बहुत कम एंगल का यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये एंगल हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आपने सेट कर दिया ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा, तो ये लाइट रेज टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और ये टकरा कर यहाँ से यहाँ और ये वाली यहाँ पर, और फिर दोबारा यहाँ पर बाहर जब रिफ्लेक्ट होंगी तो बैंड हो जाएगी अगेन, और बैंड होने के बाद आपको यहाँ पर इसकी एक इमेज नज़र आएगी। अब ज़रा गौर से इसको देखिए, जो हेड से निकलने वाली, एरो के हेड से निकलने वाली लाइट रे थी वो बैंड होने के बाद अब नीचे आ चुकी है, और नीचे वाली जो लाइट रे थी ये ऊपर जा चुकी है, मतलब ये जो टेल है इसकी इमेज तो यहाँ नज़र आएगी, और ये जो हेड है इसकी इमेज यहाँ नज़र आएगी, कुल मिलाकर ऐसी इमेज बनेगी एक। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को या इमेज को इन्वर्टेड है तो सीधा कर दिया और सीधा है तो उल्टा कर दिया। ऐसे भी बना सकते हैं आप, कि आपके पास ऑलरेडी एक इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज, आप इसको सीधा करना चाहते हैं तो आप प्रिज्म लगा के इसको सीधा कर सकते हैं। ये तीन ओरिएंटेशन है जिसके अंदर
आप प्रिज्म को यूज़ कर सकते हैं और उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराकर अलग अलग तरीके से लाइट रेज को बेंड कर सकते हैं। याद रहेगी बात, एक हमने 90 डिग्री से बेंड किया, एक हमने 180 डिग्री से बेंड किया और एक ये बिना बेंड किए बस उल्टी इमेज को सीधा कर दिया। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद फोर्थ एंड फाइनल ऑप्टिकल फाइबर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, तो वो आप याद रखिए। रफ कर दो इसको, बनाएंगे। फोर्थ नंबर की एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में हम लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं फाइबर्स की हेल्प से, एक जगह से दूसरी जगह लाइट को ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में, या ये कह लीजिए लाइट सिग्नल की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक, जैसे मैं एक मिसाल दूँ आपको, ध्यान से समझिए, शायद आपको मेरी बात अजीबोगरीब लगे, ध्यान से सुनो, वो तो सारी हूँ हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है इस टाइप का और वो वायर ऐसे रखा हुआ है, ये वायर का एक एंड है और ये 5-6 बार ऐसे लपेटने के बाद आपने दूसरा एंड यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, मोटा सा वायर है, लगभग 5 mm समझ लीजिए थिकनेस, 5 या 7 mm। अब मेरे पास एक लाइट सोर्स है, लेज़र लाइट टाइप की होती है ना, मैंने लाइट रे यहाँ पर इस वायर के अंदर, इधर जहाँ से ये दिख रहा है ना, यहाँ से लाइट रे वो लेज़र लाइट से जलाकर इसके अंदर एंटर कराई, बस यहाँ से डाल दी, ठीक, वो लाइट रे मुझे यहाँ से आउटपुट मिल रही है बाहर, इधर से लाइट एंटर कराई, वो लाइट अंदर गई, पूरे में ऐसे गोल गोल घूमी और घूमने के बाद इधर से बाहर निकल गई। और ऐसा ही नहीं कि इसे रखे रहो, इसे इधर उधर ऐसे करोगे तो वो लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे अपनी तरफ देख लो, जैसे पानी का पाइप होता है ना, उसे ऐसे ऐसे घुमा लो आप, पानी इधर गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है, ऐसी उसमें से दूसरे एंड से लाइट निकलेगी अगर एक एंड से आप एंटर कराएंगे। बात समझ में आई? ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ये वाकई में पॉसिबल है, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, और शायद आप में से किसी ने किया भी हो, एक ही इंसान ने किया होगा, वो हूँ मैं, मैंने कर रखा है ये काम लाइट से, अगर आप इधर से डालेंगे लाइट तो वो उसके अंदर घूमकर रिफ्लेक्ट होकर और दूसरे एंड से बाहर निकल जाएगी। इस वायर को कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, बहुत महंगा है इसलिए कर नहीं सकते हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतने बड़े पाइप में नहीं, इतने बड़े वायर में नहीं, छोटे मोटे वायर में करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, इस ऑप्टिकल फाइबर का छोटा सा वायर का सैंपल लेकर, छोटा सा वायर लेकर मैं उसका डायग्राम आपको बनाकर दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है, ठीक है भाई, सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, देशी विदेशी सब। एक वायर है, इस वायर का मैंने छोटा सा टुकड़ा लेकर, छोटा सा सैंपल लेकर आपको, सुन लो सुनो, इस वायर का एक छोटा सा सैंपल लेकर, छोटा सा पार्ट लेकर मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले सबसे अंदर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं कोर, ठीक है, सबसे अंदर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं कोर, ये एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है जिसे इधर उधर बेंड किया जा सकता है। वैसे तो कांच, ग्लास कह लीजिए, ग्लास भी एक हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लेकिन ग्लास फ्लेक्सिबल नहीं होता। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे आते हैं, फाइबर की शीट आती है दुकानों पर रोल की हुई रखी हुई होती है, उसे खोल देते हैं तो ऐसे लगती है जैसे कांच की शीट हो, उसके आर पार नज़र आता है ट्रांसपेरेंट, ठीक। इस टाइप का एक आपको कोर बनानी है जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल की बनी हुई होगी और उसके अराउंड दूसरा ट्रांसपेरेंट मटेरियल कवरिंग की जाएगी, लेकिन उस दूसरे वाले ट्रांसपेरेंट मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे कम होगा, ठीक। इस बाहर वाले मटेरियल को जो इसके ऊपर कवरिंग की गई है, इसको हम कहते हैं क्लैडर,
क्लैडर, ठीक है, कोर एंड क्लैडर। अगर मान लीजिए कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n1 है और क्लैडर का n2 है, तो n1 जो होगा वो n2 से बड़ा होगा, होंगे दोनों ट्रांसपेरेंट मटेरियल के, ठीक। और फाइनली इसके ऊपर एक सिल्वर कोटिंग करके और ऊपर से कवर चढ़ा दिया जाता है, जैसे तारों का कवर होता है ना प्लास्टिक का, ब्लैक कलर का था, ऊपर का कवर चढ़ा दिया जाता है, ये आउटर कवर है। बीच में एक सिल्वर कोटिंग आ सकती है इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर समझ में आया? अब कैसे काम करता है ध्यान से समझते हैं। वायर के एक एंड से लाइट अंदर एंटर कराई जाती है, ठीक। ये लाइट जब अंदर एंटर करेगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है खासकर इसके कंपैरिजन में, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा। और ये लाइट रे जब जाकर सामने वाले सरफेस पर टकराएगी और ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये लाइट रे बैंड होकर नीचे आ जाएगी, ठीक। अब नीचे आकर टकराएगी, फिर वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ भी और यहाँ भी, फिर ये टकरा कर ऊपर चली जाएगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद एक तरफ से ये लाइट रे एंड करेगी और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगी, ठीक। बात समझ में आई? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बताया था लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसलिए इसके अंदर जो वेस्टेज होता है वो बहुत कम होता है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जो हाई स्पीड इंटरनेट चलाया जाता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से चलाया जाता है, इसमें सिग्नल का वेस्टेज बहुत कम होगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेल्प से इसको कैरी करके ले जा रहे हैं, ठीक। इंटरनेट केबल जो आजकल चल रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के चल रहे हैं, लेकिन हमने इसको जब पढ़ा था, जब इसका नाम कहीं और किताब के अलावा सुनने को नहीं मिलता था, लेकिन अब ये आपको मार्केट में अवेलेबल भी दिखाई देंगे और ऑप्टिकल सिग्नल ये बल्कि खंभों पे लगे हुए दिखाई देंगे आपको अपने मोहल्लों में ऑप्टिकल फाइबर्स आप।